जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी ठीक हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं, आज आपको जैसे पता है कि कुंडों की न्याज है, तो अभी हमने तो नहीं कुंडों की न्याज का एहतमाम किया, दो तीन दिन बाद करेंगे। साईं जी की बरसी में बिजी हैं, तो आज हम जा रहे हैं तहसीन सकीना के घर। आप उनको जानते हैं अच्छी तरह, लाहौर का बहुत अच्छा नाम है, हमारी बेटी भी हैं, बहन भी हैं, तो उनके घर चलते हैं। आज कुंडों की न्याज है और लाहौर में उन्होंने स्टार्ट भी हमारे साथ ही किया है, साईं जी के साथ। साईं जी ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया और इसलिए हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आज उनके घर कुंडों की न्याज है, तो चलते हैं आपको भी लेके। बच्चे सब रेडी हो गए, हम भी रेडी हो गए, चलते हैं। चलो, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, टाइटल मैंने लगाया है जी गुंगे साईं की बरसी का। तो हफ्ते वाले दिन बरोज हफ्ता 10 फरवरी गुंगे साईं जी की बरसी का हमने तमाम किया है, शाम 7 बजे से लेकर रात देर तक। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं लाहौर में, लाहौर से बाहर हैं, उन सबको दावत है कि ज़रूर आएं और इस दिन हमारे साथ शामिल हों। ये तीसरी बरसी गुंगे साईं जी की। वैसे तो उनका हम ख़त्म दिलवाते हैं 5 रमज़ान को, 5 रमज़ान को वफात पाया था उन्होंने, लेकिन ये बरसी हम करते हैं उनकी याद में। उनके स्टूडेंट वगैरह साईं जी सब ढोल प्ले करते हैं और सारी रात लंगर का एहतमाम होता है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगा। कासम साईं भी ढोल बजाएगा, तो आप ज़रूर आए, हमारे साथ शामिल हो जी। अब हम लोग आ गए न्याज खाने। किस किस ने न्याज खानी है कुंडों की? न्याज है, सबने खानी है। अच्छा चलो जी, चलो चलते हैं। अच्छा चाय ये तोहफा दानी आली मदद। कैसे जनाब सब लोग? ये जी जनाब इमाम जाफर सादिक की नियाज है। मुंडे आपको पता ही जितने मोमन है, तो मेरी बेटी ने लंगर मौला दा अपना जनाब बनाया, बड़े मलंग आए ने खा के गए ने, सानू भी स्पेशली बुलाया है। अच्छी मां प्यो ते अल्लाह पांच दिन पा के इन्हां दा लंगर चलाई रखे, बरकत पाए, मालक किसी चीज की कमी ना दे, जींदे रहो। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी, मैं बिलखसूस साईं जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए। ये बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़े लोग हैं, और इनकी दुआओं के साथ जब मैं लाहौर में आई थी तो सबसे पहले इनके पास शिफ्ट हुई थी। इनकी दुआओं के साथ ये मालक का सारा करम है और हम इनके बहुत मशकूर हैं कि ये हमारे कहने के ऊपर ये तशरीफ लाए। मैं इनकी गुलाम हूँ जी, बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मेरी बेटी ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरी धी ते अल्लाह पाई ये प्यार है, ये मोहब्बत है, मालक इन्हां नूं होर रंग लावे, किसी चीज की कमी ना छड्डे मालक। ते लंगर ते विखाओ की की बनाया। अच्छा बेटे तुसीं ना अपने आईफोन ते बना के इन्हां नूं सेंड कर देना, एक होर बना पाए खीर। सही जी तुसीं दोबारा फेर आ। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा सैयदा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। लैला भी झूमने लगा, लैला भी झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा सैयदा, तू बड़ी सखी। अब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आए, माशाल्लाह बहुत सोहना घर बनाया जी, शुक्रिया अल्लाह तुहाडे नसीबां इच करे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ए बेडरूम? हाँ जी। हेलो, ए जी इन्हां दा बेडरूम है, बहुत सोहना माशाल्लाह। अच्छा, ए कौन कौन? सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्च, सेकंड बेडरूम, माशाल्लाह बहुत सोहना घर बनाया, अल्लाह नसीबों च करे नाले। किचन का एरिया है, आपका कौन सा रूम है? ऊपर है, ऊपर है, चलो आओ देखें ऊपर। ऊपर जा रहे हैं,
बच्चों का रूम देखने। ये तीसरा पोर्शन है। ये आपका कमरा है, बहुत प्यारा है। आप यहाँ पे अकेले सोते हो? नहीं, पापा के फोटो को बात होगा। अच्छा चलो, ये अभी जी आप ही ने एक साल पहले ही घर बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पे टिकटॉक बन रहा है। क्या हो रहा है? टिकटॉक बन रहा था। अच्छा टिकटॉक बना रहे हो? आज ही आप ही बनाए हमारे साथ। व्यू देखो कितना कमाल है। बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो जी, ये हमारी शादी, ये शादी थी तो तब की पिक्चर है, ये पिछली शादी की थी। आपको भूल गया है ना बचपन, आपको याद है? अब याद आ गया, अब याद आ गया, पहले भूल गया। ये बहुत छोटी थी जब हमारे पास रह के गई है। मनूर आपको याद है? दोस्तों में ये सब याद आ जाता है। अच्छा हाँ जी, आ गया से याद, मुझे तो पहले से याद था। हाँ ये तो कितनी छोटी है, ये नहीं मैं नहीं हूँ, ये मेरा भाई है। भाई है उसको मैंने प्यार किया था, ये मैं नहीं हूँ। यहाँ पे बड़ा है, तब काफी छोटा था जब आप हमारे पास रहती थी। बहुत अच्छा व्यू है। मौसम देखिए आज लाहौर का कितना अच्छा है, बादल ही बादल छाए हैं और यहाँ हम छाए हैं। चलो नीचे चलते हैं। ये देखे जी, ये इतने छोटे से थे। आप अपनी पिक दिखाएं, जब हमारे पास रहते थे ये तब इतने छोटे थे और आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए। इतने हो गए, वाओ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं तो 3 में, 4 में जाना है अभी, और वो 2 में दूसरी में जाना है। माशाल्लाह कुरान शरीफ भी पढ़ ली है? नहीं, मैं 18 से पढ़ रही हूं। वाओ माशाल्लाह। हां मैं भी हूं, बस कर ली है जी। मैं कुरान पाक पे हूं। आपने कुरान पाक खत्म कर लिया? सेकंड दफा दोहराया नहीं है? yes. तो आप दोहराओ ना। करूंगी, चलो करो रमजान में इंशाल्लाह। ओके ये देखें जी, मिनाइल ने अपना दराज कितना प्यारा सेट किया हुआ है। क्या क्या रखा है आपने? ये चावलों का पाउडर है, राइस राइस पाउडर। ये मेरी रिंग्स हैं और ये मेरी लोशन है, शैम्पू है वगैरह। चावलों के आटे का क्या करती हो आप? मास्क लगाते हो जी? फेस पे किस तरह लगाते हो मुझे भी जरा बताओ। वो एक चम्मच तकरीबन राइस पाउडर ले लेते हैं। अच्छा। और एक थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो ना ये ले लेते हैं, हनी ले लेते हैं, और थोड़ा सा मिल्क लेके उसको मिक्स करके हमें चेहरे पे लगा लेते हैं, उससे आपकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो, बच्चियों को ये चीजें आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से किस तरह आपने सारा कुछ सेट करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ चले आपकी मामा के पास, देखें क्या कर रही है। हाँ जी, जूस पी रहे हो? हाँ जी, गर्मी लग रही है जी। जी आप, होता है जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको गर्मी बहुत ज्यादा। हाँ जी, इसीलिए हम जूस पीते हैं। और विटामिन सी की कमी पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी भाई जान को दिया करें। नहीं मैं ज्यादा शौक से ये चीजें पीती हूँ, वो नहीं खाते। और विटामिन सी की कमी पूरी होती है, और इस मौसम में माल्टे तो आपको पता है लाजवाब। जी 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 बिल्कुल, अब ज्यादा क्योंकि बारिश हो गई है तो मिठास खत्म हो गई है, आर्टिस्टों को खानी चाहिए। चले ठीक है, हमारे लिए चाय बनवा लें बस। जरूर जरूर, आपके लिए जूस बन रहा है, हमारे लिए चाय बन रही है, और ये म्यूजिशियों के लिए लंगर गर्म हो रहा है जी। मेहमान आ गए, म्यूजिशियन आ गए, उनके लिए लंगर गर्म हो रहा है। माशाल्लाह से किचन बहुत अच्छा ये भी बना हुआ है। क्या कर रहे हो आप लोग? बेरी पिया। क्या कर रहे हो? कुछ भी बातें कर रहे हैं अपनी। बातें कर रहे हो, सहेलियां मिल गई हैं आपस में। कोने नली क्या कर रहे है? कोने नली क्या कर रहे है? आप ही के पास बैठा है, खाला के पास बैठा है, आपकी बेटी है। ये मेरी बेटी नहीं है,
ये जी चाय आ गई है। तो तेरे ब्याह से पहले ना मेरे पुत्र ने तेरी किस्म की सर्दी में मजेदार चाय आप भी पिए? नहीं जी मैंने भी जूस पिया। हाँ जी आपने भी जूस पिया? जूस पिया तो आज कट करो दूध पीना बाद नहीं दूध नहीं जूस मेरे बीपी लो मैं पूछाने हैं तो नो मैं सुने हैं तो नो बड़े शौक ना सुन देने के मैं क्यों जिन्हें दे तो माला सुन दियो के दी वो लग दी नहीं मैं क्या गेट अप चाहिए चाहिए नहीं मैंने भी थी हाँ अच्छी बात है ना बच्चे नहीं पीते चले पिए चाय हमारी बच्चियां वैसे बड़ी कमजोर है चाय पीनी नहीं चाहिए असि की करिए साडे वालों वेखो बच्चों इथे वेख लो नहीं माशाल्लाह तुसी इंजी अच्छे हां जी तेरी आवाज दी मिठास गुड शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू नीचे चाय ले जा ये डिड्डू सो गया चले बाद में मिलते हैं आपसे ओके अब आप कब आओगी हमारी घर चले माँ जी चले ओके आप पूछो मिनाल से हमारी तरफ कब आओगे हमारी तरफ से इनविटेशन है आप जब फ्री होंगे तो इंशाल्लाह चक्कर लगाना ओके अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज हाँ जी हाँ जी न्याज एंजॉय कर ली हाँ जी न्याज मौला का लंगर बड़ा सोना बनया सी आज मौसम भी काफी अच्छा है धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है अब निकल रहे हैं घर इंशाल्लाह अब शाजमल जाएंगे फ्लेक्स वगैरह लगवानी है आज जी जी। और नाजिम भाई आप सुनाए तबीयत ठीक है जी ठीक चलो जी अब सब तैयार हो गए गाड़ी में बैठ गए चलते हैं बच्चो रेडी हो सारे चलो घर चलते अच्छा जी तो ये हम उठे हैं जैसे रेस्ट की है वहाँ से आए थे तो बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है फिश लेने गया था और खा रहे हैं बहुत इस मौसम में तो मछली बारिश में मछली खाने का बहुत मज़ा आता है और हालात हैं बारिश के बाहर मैं निकला हूँ ठीक था जैसे ही बाहर गया हूँ एकदम बारिश तेज होने लग पड़ी मैं अंदर फिर छाता लेके बाहर गया हूँ तो बारिश बंद हो गई छाता लिया थे छाता और कहाँ गए थे आज आप लोग फिर एंजॉय किया वहाँ पे बड़ा मजा आया नियाज भी बहुत मजेदार थी नियाज बेटा होती मजेदार है और फिश भी मजेदार है फिश खाए जी हम घर आके सो गए थे काफी थक गए थे बच्चे मौसम भी इस तरह का हो रहा है सबको बुखार मौसम की वजह से साईं जी गए थे ढोल बरसी की तैयारियां करने फ्लेक्स वगैरह लगवानी थी परमिशन लेनी थी वो भी आए नहीं हम लोग बस अब उठे हैं खाना खा रहे हैं फिश मंगवाई है और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलेंगे अगले व्लॉग में हम सबकी तरफ से अल्लाह हाफिज़